अगर दो मीडियम ऑप्टिकली सेम है, मतलब ना रेरर है ना डेंसर है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वहां जो लाइट का बेंडिंग होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, लाइट का बेंडिंग वहां होगा ही नहीं है, मतलब दोनों लाइट जो होगा दोनों के पास आर पर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ये मीडिया है, एक ये मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है ना, ये दोनों मीडिया जो है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे बिना बैंड के वो लाइट ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ जाके बैंड करेगी, यहाँ तो बैंड करना ही है इसको, इस पॉइंट पर आने के बाद, ठीक है, लाइट अगर ऐसे आ रही थी, यहाँ पर बैंड करेगा, ठीक है, मतलब इसको बात छोड़िए, यहाँ से अगर लाइट आना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से आया लाइट, ऐसे पार हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है लाइट बैंड नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे वाटर के केस में, वाटर से अगर ग्लास में लाइट जाता है तो यहाँ बैंड करता है, लेकिन अगर दोनों मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली सेम है ना, ना डेंसर है ना रेडर है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का जो होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, नहीं होगा, मतलब बैंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे लाइट बैंड नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बैंडिंग इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि मान लीजिए अगर एक्सेप्टांस है, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, एक अगर जिसका हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हाई है और ये लेस है, तो आपको ये बात पता होगा कि जो सब्सटेंसेस है ना, इट मीन्स व्हाट, कि जिसका ज़्यादा हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट को बैंड करेगा, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हाइयर वाला ज़्यादा बैंड करेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ये भी हम जानते हैं कि इफ हाइयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बैंडिंग ऑफ लाइट। ओके, तो इट मीन्स व्हाट, इसको नोट कर लेते हैं, इफ हाइयर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बैंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का बैंडिंग जो है उसमें ज्यादा होगा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटे छोटे ये बात है, इन सबको हमको समझना है, ठीक है, कि ऑप्टिकली डेंसिटी जो भी है, ठीक है, सब्सटेंस जो है इसके जो मास और डेंसिटी होगा, ठीक है, इसका अलग होता है। जैसे मतलब इसका जो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑप्टिकली डेंसर एक सब्सटेंस है इसका मास ज़्यादा है ना, तो मास से इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब डेंसिटीज है इसका मेन मोटो, मतलब डेंसिटी की बात करेंगे हम इसमें। तो डेंसिटी जो होगा किसी भी सब्सटेंस का ज़्यादा है, हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, मतलब ये हाइयर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिसका डेंसिटी लगभग कम होगा उसका मतलब क्या होगा, कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो डेंसिटी और मास से लगभग आप ना ही रिलेशन समझिए इसमें, तो वो बेटर है, क्योंकि डेंसिटी और मास जो है इनमें कोई एक्चुअली रोल प्ले नहीं करता है, इसमें बस लाइट जाने का जो क्षमता है ना, एक इस मतलब मीडियम से दूसरे मीडियम में या कहीं भी, ये मीडियम किस स्पीड से लाइट को पास होने देता है, देन ये स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मेनली वही होता है ऑप्टिकली डेंसर और रेडर। जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ऑप्टिकली क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, ऑप्टिकली रेयर होगा, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम और भी देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे हम लाइट की स्पीड में सोचे थे क्लियर करिए, तो लाइट की स्पीड में क्या होगा, ठीक है, ऑप्टिक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको बता देखते। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, एक मीडियम है, ये इस मीडियम में जैसे लाइट आई ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ी और ऐसे गई लाइट, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें इसका वी वन है वेलोसिटी, और इसमें आने के बाद इसका वेलोसिटी वी टू हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहेंगे निकालना डेंसिटी ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम की बात करें, ये मीडियम, ये मीडियम टू है और ये ऊपर में मीडियम वन है, कुछ भी है मीडियम, ऊपर में मीडियम वन, ठीक है। तो
तो मीडियम वन और मीडियम टू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, इट मीन्स व्हाट, म्यू ऑफ मीडियम टू, सॉरी टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो वन के रिस्पेक्ट में इस टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ लाइट इन मीडियम वी वन, मतलब फर्स्ट में, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू वी टू की बात करिए, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यू टाइम टू वन इक्वल टू वी वन अपन वी टू, तो दैट इज व्हाट आई रिक्वायर्ड। अब हम चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, अब अगर इसका निकालना चाहे, ठीक है, एयर का इसके रिस्पेक्ट में, तो फिर ये उल्टा कर लेंगे, है ना, या एयर नहीं मीडियम वन की बात करें तो उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो जिसका हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए वो नीचे रहेगा उसका लाइट के, उसका स्पीड उसमें, उस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा देगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस, इसको हम बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओके, आपको अगर कुछ ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि मान लीजिए तीन सब्सटेंसेस है, ठीक है, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.44, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 1.47, ठीक है, और मीडियम थ्री का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.33। आपको पूछा गया कि इन विच ऑल दिस थ्री मीडियम लाइट विल मूव फास्टेस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं पहले, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जिसका कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, वो कैसे है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। तो ये देखिए आप एक बार, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, उसी टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है दूसरे के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, तो इन द मीडियम थ्री स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर, इसमें स्पीड लाइट ज्यादा होगा, ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन देखा मेरे पास। द स्पीड ऑफ लाइट इन इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इन अ मीडियम, किसी मीडियम एक्स में इसका जो स्पीड है लाइट वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इन मीडियम वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो कैलकुलेट करना आपको ये एयर एंड एक्स, मतलब एक्स का ये एक्स जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, और y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ठीक है, देखिए मेरे पास ये चीज है निकाला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमको पता क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लेते ऊपर में, किसका, एयर का, पहले जो है तो एयर का स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, अभी तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं कैसे हम इसको बनाते हैं, और यहाँ पे एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स जो निकालना है तो इसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे में रखेंगे, तो एक्स में क्या है स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ है, तो 2 × 10⁸ होगा, ये कट जाएगा स्ट्रेट, 3/2 मतलब कितना
1.5, ये हो गया। तो पहला पार्ट का आंसर ये मेरा आ गया। दूसरा पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा पार्ट में मेरे पास दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पे एयर का वाई के रिस्पेक्ट में, ये वाई का मीडियम वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एयर एंड वाई, ठीक है, एन लिखिए या म्यू लिखिए, कभी कहीं म्यू लिखेगा आपको कहीं एन दिखेगा, तो एक ही बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो देखिए वाई यहाँ पे, एयर की हम बात करेंगे, एयर कहाँ पे है, दैट इज एयर हो गया आपको यहाँ पे ये 3 into और यहाँ पे 10^8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में वाई, वाई मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2.5 × 10^8, तो 2.5 × 10^8 कट जाएगा, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 30/25। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना होता है 30/25, तो ये आपको आएगा यहाँ पे 5 से 5, 6 से 30, 5 से 25, तो ये 1 point इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड में हम निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई, तो पहले क्या करेंगे हम, ये जो एक्स एस का एक्स का स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है एक्स का स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे देखिए, और ये आपको ठीक है यहाँ पे 2.2 × 10^8 में पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपको हो गया 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद है वाई, ये वाई लिखेंगे, ये वाई वाला सबट्रांस का नीचे में, तो वाई में क्या है 2.5 × 10^8 है ये देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो 2.5 × 10^8 ये तो कट जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा 20 by 25, ये पॉइंट उड़ेगा, तो इसको काट सकते हैं 5 से 5 for 20, 5 for 25, इट मीन 0.8, तो ये आपको आंसर मिलेगा तीनों का। अब देखिए एक चीज़ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम वन एंड N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एंड वी नीड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, देन व्हाट विल यू डू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, पहले m ये है 1, तो ये m1 लिखेंगे यहाँ पे, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये m2 लिखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का आप डिवाइड कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको हम लिखेंगे ये मेरे पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 सॉरी मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये दोनों को, ठीक है, ये M1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का है, और ये M2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। आप अगर इसको उल्टाना चाहते हैं, 2 अपन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको M2 upon M1, तो M2 upon M1 जो होगा ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओके ना। अब देखिए हम इनकी बात तो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास ये आया कैसे, एयर के स्पीड से अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें तो वो भी आ जाएगा, डेरिवेशन इसको देख लीजिए, अगर आप एयर के स्पीड से इसको लाना चाहें तो, जैसे कि एग्जांपल हम समझा रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है N1, इसका कैसे निकालते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट करके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट है ना इन मीडियम 1, तो मीडियम 1 में आएगा। फिर N2 निकालेंगे, यहाँ पे एयर में स्पीड और डिवाइडेड बाय मीडियम 2 का स्पीड, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे N1 upon N2, इट मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लीजिए 2 निकाला है इसी का 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम N2 upon N1 करेंगे, ये अपन ये करेंगे, तो ये अपन 1 हैगा एयर अपन M2, और ये ऊपर जाएगा M1 अपन क्या यहाँ पे एयर आएगा नीचे में डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो मेरे पास जो ये आएगा ये तो कट जाएगा एयर से एयर, तो यहाँ पे बचेगा क्या,
ये वन एंड टू मतलब सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में आएगा मेरे पास एम वन अपॉन एम टू। तो ये जो हमने लिखा था सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है सॉरी यहाँ पे कहीं मिस हो गया नोट करने में, देख लेते हैं। ओके स्पीड ऑफ लाइट था, ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन एम वन है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट है एम टू है, ठीक है ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड किए, ठीक है स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास m1 अपन m2, ये स्पीड ऑफ लाइट है m1 में अपन स्पीड ऑफ लाइट ही m2 में, ठीक है। तो ये निकला मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है ये m1 और m2 है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ लाइट इसमें, ठीक है ये बात तो है। अब उसके बाद एक चीज हम केस कर लेते, एक और केस क्रिएट करते हैं कि जब मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट ना हो सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो डायरेक्ट आप मीडियम को रेशियो ले लीजिए, मीडियम का रेशियो तो आपको मिल जाएगा जैसे ये कि एक सब्सटेंस है ऐसे, एक सब्सटेंस है एक्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए और दूसरा सब्सटेंस है वाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी। तो आपको निकालना अगर है, ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस वन, ठीक है जस्ट लाइक वॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप क्या करेंगे सीधे एक्स का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए ऊपर में लिखेंगे और वाई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी ये नीचे लिखेंगे, ये आ जाएगा आंसर। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो वो ऊपर में लिखेंगे, लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा तो ये इसका नीचे लिखेंगे इसका पहले लिखेंगे, लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको लिखना होगा तो इसका ऊपर लिखेंगे इसका नीचे लिखेंगे, ठीक है क्योंकि ये उल्टा का रेशियो होता है, ठीक है ये उल्टा होता है इसके कंपैरिजन में। ओके तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लाइंस है ना उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है उनके बारे में, ठीक है मतलब जितने भी स्फेरिकल सरफेस है उनसे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो हेडिंग है हम लोग का आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस, तो देखिए स्फेरिकल सरफेस से हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे कराते हैं इसके लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लेंस के बारे में, ठीक है ठीक है। अब लेंस कैसे कैसे काम करता है उसको देखेंगे। तो लेंस का जो वर्क होता है ना ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड होता है, लेंस जो काम करता है लाइट के रिफ्रैक्शन पे ही काम करता है, ठीक है। अब लेंस होता क्या उसको डिफाइन किया जाता है उसको देख लेते हैं। लेंस देखिए क्या होता है, ठीक है ठीक है इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ग्लास दैट इज, तो इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉन्डेड बाय एटलीस्ट वन कर्व सर्फेसेस, तो एक कर्व सर्फेस होना चाहिए इसमें कम से कम, ठीक है ये मेरा हो जाता है लेंस, ठीक है ओके। तो देखिए लेंस में क्या क्या चीज एक्चुअली हमें जानना है, ठीक है लेंस का टाइप्स क्या होता है, ठीक है लेंस कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली लेंस होता है ठीक है दो टाइप्स का, ठीक है इनका और भी टाइप्स होता है लेकिन बेसिक हम दो टाइप्स का जानते हैं, ये और ये इसका आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे है ना, ये सेकंड टाइप में। पहला टाइप ये हो गया आपको कन्वेक्स लेंस और ये दूसरा होता है कनकेव लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। और देखिए कन्वेक्स और कनकेव लेंस की बात करें तो ठीक है इसको हम कैसे समझते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है अब देखिए ये जो सरफेस है ये कौन सा है कन्वेक्स सरफेस, ठीक है
और ये कनकेव सरफेस है। आप लोग जानते हैं इसको, मिरर में पढ़ चुके हैं, ये कनकेव सरफेस है और ये कन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, आगे हम इसमें और देख लेते हैं। ठीक है, लेंस में कि ये जो लेंसेज होते हैं ना कैसे काम करता है, या इसका डेफिनेशन थोड़ा सा। ठीक है, और भी होता है, कनकेव कन्वेक्स भी होता है। ठीक है, इस टाइप का भी आपको लेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा, एक मिनट। ओके, तो आदमी ये क्या कहते हैं, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो आगे में कनकेव इस टाइप से एक होगा, एक ऐसा भी शेप मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक लेंस का ही टाइप होगा। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब मेरे पास लेंस का टाइप होगा। ठीक है, ये प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से ये ऐसा भी आपको शेप मिल सकता है लेंस का। ठीक है, तो आपको इस टाइप से अभी टेंथ में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको हम आगे बताएंगे इसके बारे में, ये सब आपको कहाँ यूज करने। ठीक है, इन सब का क्या यूज है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए हम कनकेव को डिफाइन कर लेते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है, या कन्वेक्स, किसी को डिफाइन कर लेते पहले कन्वेक्स लेंस। तो ऐसा लेंस ये मिडिल में थिकर है और एजेस पे थिनर है ना, तो इसको हम बोलेंगे अ लेंस दैट इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस। ठीक है, किनारे क्या होगा, पतला होगा और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ये है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस टाइप से आपको कन्वेक्स लेंस दिख जाएगा। ठीक है, और फिर ये, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस, ये ठीक इसका उल्टा होता है। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो होगा यहाँ पे मिडिल में क्या होगा, ये थिनर होता है और ये पे थिकर होता है। तो लिखेंगे अ लेंस दैट इज थिनर एट मिडिल बट थिकर एट एजेस, मतलब किनारे पे मोटा। एग्जाम्पल में ये लेंस है ना, देख लीजिए, दैट इज कनकेव लेंस। ठीक है, इसका नाम कनकेव क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनकेव मिरर, देखिए दो कनकेव मिरर लगा हुआ है इन साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला। तो कन्वेक्स मतलब ये आउटसाइड ब्लज है ना, ये आउटसाइड से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसका नाम कन्वेक्स, इसका नाम कनकेव पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास लेंस में कुछ टर्म्स आने वाले हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर्स आने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस आने वाले हैं, वो समझते हैं क्या होता है। तो देखिए लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये लेंस है मेरे पास, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या होगा, दी सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो ये होगा सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको यूजुअली सी से या ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है इसको ओ से डिनोट करते हैं या सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस विद द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस
एंड परपेंडिकुलर टू इट, कह सकते हैं इस पे सेंटर से पास होगा और ऑप्टिकल सेंटर से और इस पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे कह सकते हैं इसके सेंटर से या फोकस से पास होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम क्या जानेंगे इसे, ठीक है, लेंस में थोड़ा सा वो भी देखिए। इसके बाद हमको थोड़ा सा तो हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या क्या होता है लेंस में। देखिए ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, इसको हम डिफाइन कर लेते पहले, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, PRINCIPL प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल बीम अप्लाइड ठीक है कन्वर्जेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, क्या रिफ्रैक्शन कह सकते हैं या फिर पासिंग थ्रू द लेंस, है ना, लेंस से पास होने के बाद, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है, लेंस है, अब ये समझाते इसको, एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस से जैसे रे पास करेगी, सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये पास करेगी, ऐसे रे आएगी, ऐसे रे आएगी, तो ये सब पॉइंट एक पॉइंट पे मिलेगा, ये एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो ये जो यहाँ पर होगा ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो ये होगा मेरे पास, इसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो एक जगह जहाँ पे सारे रे है ना रुक गए, जहाँ पर रे आगे मिल गया, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके पास जो है लेंस के पास दो फोकस होता है, ठीक है, ठीक है, इसके पास अगर इधर से लाइट दीजिएगा तो यहाँ की कन्वर्ज करता, ठीक है, इसको उल्टा अगर हम बात करें तो अगर आप बोलिए सर इधर से भी लाइट दें तो क्या होगा, अगर ये इधर से भी लाइट जाएगा, ठीक है, इधर से लाइट आएगा तब भी क्या होगा कि एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, दैट इज फोकस। तो ये मेरे पास आएगा, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसके पास दो फोकस है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि अलायंस हैज टू फोसी, फोकस का पूरा पूरा होता है फोसी, ठीक है, तो लेंस के पास दो फोकस होता है, ठीक है, और ये क्या होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, अगर एक लेंस कनकेव या कन्वेक्स है तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होता है, बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये दैट इज व्हाट लेंस के पास दो फोसी हो, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, उसमें भी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होते हैं, तो वो कैसा बनाता है फोकस, तो देखिए ऑफ कनकेव लेंस, अभी कन्वेक्स का पढ़ लेते हैं, अभी कनकेव पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, है ना, और टाइम है पेजेस से,
ठीक है चलो। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे रूल्स होगा ऑब्टेन करने के लिए। तो रे डायग्राम देख लेते पहले, है ना। ओके नाउ लेट्स सी रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग रे डायग्राम देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसमें रे डायग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए पहला हम देखना चाहते हैं इसमें रे डायग्राम क्या है। ओके तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसमें अगर रे है, ठीक है, सॉरी ये तो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए रे है जा रही है, अगर इसके पैरेलल होगा ले तो ये रे जो है फोकस से पास करेगी, ठीक है, ये चीज मिस्टेक्स हो गया था आप यहाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है ना। तो इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी कन्वर्टेड एट फोकस, कैसे भी कर जाएगा, ये ऐसे भी जा रहा है आपको यहाँ फोकस पे मिलेगा, ठीक है। तो पहला आप ही इसका ये याद रखेंगे रूल्स, ठीक है। तो कैसे करें इसमें, इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल कन्वर्जेस एट फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ठीक है, या आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कह सकते हैं। तो लेंस से पास होने के बाद की बात करें, लेंस से पास होने के बाद क्या होगा, ये कहां पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा, ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये लेंस है, इस लेंस में क्या होगा, ये लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ठीक है, इससे जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो हम कहेंगे इफ द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल बी गो आउट विदाउट डेविएटेड, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने पे लाइट नहीं मुड़ती है, ठीक है, जैसे जा रही वैसी चली जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि इफ अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल गो स्ट्रेट, ये सीधा चलेगा, ठीक है, विदाउट डेविएटेड। ओके नेक्स्ट इसमें थर्ड में है, थर्ड में देखेंगे आप, ठीक है, थर्ड में क्या कि एक लेंस है, इस लेंस में, ठीक है, अगर लाइट फोकस से पास होगा, ठीक है, इफ दिस लाइट पासिंग थ्रू फोकस देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर लाइट फोकस से जा रही है ना पास होके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कब, लेंस से पास होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद। तो कह सकते हैं इसमें कि इफ फॉर ए पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस की इन सब बात कर रहे हैं, ठीक है, देन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर द रिफ्रैक्शन, मतलब जब भी रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा इसके पैरेलल। तो ये तीनों रूल्स है, अगर ये तीनों आपको याद रहा तो हम लोग रे डायग्राम से इमेज का जो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, ये आपको बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है।